नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा जन जन तक सांस्कृतिक ज्ञान पहुंचाने में अहम भूमिका। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने खटखटाया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा, अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई विशेष अदालत ने किया था इनकार। दिल्ली में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार, कई जगहों पर होगी भारी बारिश। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए सुझाव, पर्यावरण की बेहतरी के लिए कदम उठाने को कहा। राजस्थान में बसपा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, तो हरियाणा में बिश्नोई ने बिगाड़ा पार्टी का गणित, कर्नाटक में भी मामला दिलचस्प। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, योगी के बाद कुशल प्रशासक बनने में नहीं लिया ज्यादा समय। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले, हार से सबक लेकर करनी होगी 2024 और 27 के चुनावों की तैयारी, कमजोर रणनीति रही विधानसभा चुनाव में हार का कारण। राष्ट्रपति और पीएम ने दी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई, मोदी बोले उनके कुशल नेतृत्व में राज ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ। 4 दिन पहले हुए एचआईवी संक्रमण का भी चलेगा पता, लखनऊ के लोहिया संस्थान में मशीन लगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गांव में कब्जों पर शासन की नजर, राम गोपाल यादव की आवाज, पूर्व सांसद के प्लॉट पर लगा लाल निशान। उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण के संकेतों के बीच समुद्र की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया की सेना का दावा। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में आग लगने से 16 लोगों की मौत, 450 से ज्यादा लोग घायल। अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का तालिबान ने किया खंडन, कहा हम आतंक को रोकने में सफल रहे। चीन ने 3 सदस्यीय दल को भेजा स्पेस स्टेशन, खास काम को पूरा करने की दी जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की आशंका, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। गुजरात के खिलाड़ी रिद्धिमान साहा ने की कप्तान हार्दिक पांड्या की तारीफ, कहा एक कप्तान के सारे गुण हैं उनमें। भारत को शोएब अख्तर ने दी बड़ी चेतावनी, कहा टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ की गलती तो भुगतना होगा परिणाम। रोमांचक मोड पर लॉर्ड्स टेस्ट, जो रूट के शतक से न्यूजीलैंड को लग सकता है बड़ा झटका। छह गेंदों पर 6 छक्के और 19 गेंदों पर 12 छक्कों की मदद से खिलाड़ी कृष्णा पांडे ने खेली तूफानी पारी, लेकिन टीम को मिली हार। बल्लेबाज डैरिल मिचेल ने शतकीय पारी से संभाला न्यूजीलैंड की टीम, मिचेल के करियर का ये दूसरा शतक। अक्षय कुमार के सम्राट पृथ्वीराज ने किया निराश, पृथ्वीराज की गौरव गाथा का कमजोर अध्याय। विकी कौशल और कृति सेनन को मिला बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड, सारा और अनन्या की परफॉर्मेंस ने जीता दिन। फिल्म जवान का पहला पोस्टर जारी, एक्टर शाहरुख खान ने कहा गुड टू गो चीफ। ब्रह्मास्त्र का टीजर फिर, अयान मुखर्जी ने किया शेयर, अमिताभ बच्चन का नाम रणबीर कपूर से रखा आगे।
कार्तिक के बाद अब एक्टर आदित्य रॉय कपूर हुए कोरोना पॉजिटिव, फैंस को लगा बड़ा झटका। मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।